हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप लठवाड़ है। ग्रीन टेक सॉल्यूशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया है कि हम रेफ्रिजरेटेड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और अभी गर्मी का सीज़न आ गया है। आप जैसा देख पा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त धूप पड़ रही है, और हम आप लोगों के लिए एक ये बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट लेके आए हैं। अशोक लीलैंड की गाड़ी है ये 2820 HG, जो इसका GVW है वो 28 टन पासिंग है इसकी गाड़ी की। और अभी हम दोस्तों आपको गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। जो है ये हमने अशोक लीलैंड कंपनी को फुल्ली बिल्ट गाड़ी बना के दी है। इसमें जो आप ऊपर देख पा रहे हो, थर्मोकिंग का इसमें प्लांट लगा हुआ है T1080, 32 फिट रेफ्रिजरेटेड कंटेनर बना हुआ है इस पर। 32 फिट लंबाई है इसकी, 8.5 फिट चौड़ाई है, और 9 फिट एक्सटर्नल ये हाइट है इसकी। अगर मैं इसकी इंटरनल लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करूं, तो दोस्तों इसकी जो अंदर है 31 फुट 2 इंच लंबाई है, 7 फुट 8 इंच चौड़ाई है, और अंदर पूरी 8 फिट हाइट है। ये इंटरनल डायमेंशन है इसकी। तो दोस्तों, जो ये गाड़ी बनी है, ये वुडन केबिन बनाया है हमने इसके अंदर। ये आपको इसका केबिन का इंटरनल लुक दिखा देते हैं हम। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन वुडन केबिन बनाया है हमने इसके अंदर। तो ये दो तरह के केबिन बनते हैं दोस्तों इसमें, एक वुडन केबिन होता है, एक स्टील केबिन होता है। वुडन केबिन क्या है, गर्मियों में ठंडा रहता है, ड्राइवर को गाड़ी चलाने में परेशानी नहीं आती है। स्टील केबिन में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा बनती है केबिन के अंदर। और अभी पीछे हम कंटेनर की बात करें, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट का कंटेनर बनाया है। इसमें आउटर साइड जो हमने सीट यूज़ करी है वो 18 गेज CRC सीट यूज़ करी है, और ये महाराष्ट्र की बॉम्बे की कंपनी है AAA सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिनके लिए हमने ये गाड़ी बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त डिजाइन, अलग डिजाइन करवाया है इन्होंने। और ये दोस्तों गाड़ी आइसक्रीम के लिए इन्होंने डिजाइन करवाई है। और अभी हम आपको इसके जो हमने इसमें नीचे बेस फ्रेम में चैनल यूज़ किया है, टोटली सारा टाटा का सेल का और कामधेनु का हमने चैनल यूज़ किया है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। और अभी हम इसका बैक साइड का आपको व्यूज़ दिखाते हैं। भैया इसको एक बार गेट को बंद करना। ये देखो दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हो पीछे से बैक साइड से इसका व्यू है। ये इसमें छोटी एक सर्विस विंडो दी गई है, ताकि अगर आपका कई जगह का मटेरियल लोड है तो ये सर्विस विंडो इसलिए होता है। इसमें से क्रेट आसानी से निकल जाती है, बंदा अंदर घुस के टेम्परेचर चेक कर सकता है कंटेनर का अंदर का। और अभी हम इसका दोस्तों आपको अंदर का लुक दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा आप इसमें कंटेनर में देख पा रहे हो, ये हमने इसकी जो प्रोफाइल बनाई है, जेड टाइप की प्रोफाइल हमने इसमें बनाई है। फ्लोर में इसमें हमने इंडालको एक्सट्रूशन लिमिटेड का हैवी इंडालको फ्लोर लगाया है। जैसा आपको बताया मैंने, थर्मोकिंग का इसमें AC है 1080, और इंटरनल जितना भी स्टील यूज़ हुआ है टोटली जिंदल का स्टील है। 0.5 ग्रेड 304 ग्रेड लगा हुआ है। साइडों में जो आप ये एल्युमिनियम की जो चेकर प्लेट देख पा रहे हो, ये स्कर्टिंग लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है, स्कर्टिंग दोस्तों नीचे इसलिए लगाई जाती है कि जैसे हम इसमें गाड़ी में क्रेट अंदर डालते हैं, तो नीचे वाली जो क्रेटें होती हैं ज़्यादातर दीवार से घिसके जाती हैं। तो अगर ये बाई चांस स्कर्टिंग ख़राब हो जाए, तो इजीली आप इसको 2 साल में 3 साल में इजीली चेंज करा सकते हो। किसी भी दोस्त की रिफर कंटेनर के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी हो, स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे से कॉल कर सकता है। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।